अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप वीडियो के थंबनेल को बेखूबी समझते होंगे। किसी भी वीडियो का आपका थंबनेल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या रोल होता है, आप ये बखूबी समझते होंगे। तो आप कभी अपने यूट्यूब का जब भी वीडियो क्रिएट करते हो तो उसे आप किसी सोशल नेटवर्क की साइट पर शेयर भी करते होंगे, जैसे कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर आप शेयर करते होंगे। तो कई बार आप पाते होंगे कि आपने जो अपने यूट्यूब का लिंक जो वहां पे फेसबुक पेज पे या फेसबुक ग्रुप में कहीं पे शेयर किया है, वहां पे आपका छोटा सा थंबनेल बन के आ जाता है और आप चाहते हैं कि आपका जो आपने जो शेयर किया था वीडियो वो बड़ा सा थंबनेल आए। फिर इसके लिए आपने कई सारे वीडियो देखा होगा जहां पे टिक जाना होगा कि आप इस वीडियो लिंक को कॉपी करके आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे वहां पे जाके आप पेस्ट करते हैं, फिर आपको वहां से एक बड़ा सा थंबनेल वाला हुआ लिंक मिलता है। आप उस लिंक को कॉपी करके फिर वापस फेसबुक पेज पे या ग्रुप पे पेस्ट करते हैं, तब जाके आपको बड़ा सा थंबनेल मिल पाता है। इन सब तरीके से भी आप अपने यूट्यूब के वीडियो को बड़े थंबनेल के साथ फेसबुक या ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए इसमें आपका कितना अधिक समय व्यतीत होता है। तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से आपको ये तमाम झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। आप अपनी यूट्यूब के वीडियो को सीधे लिंक जो होता है यूट्यूब वीडियो का, उसे सीधे कॉपी करके फेसबुक पे पेज पे या ग्रुप में कहीं शेयर करेंगे तो वो आपका बड़ा थंबनेल बना हुआ आ जाएगा। ये बहुत आसान है और आपका काफी समय बचेगा। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन भी दबा दे, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो अगर हम लेके आए तो उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ। तो इसके लिए हम आपको लेके आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आपको पता ही होगा वीडियो कैसे अपलोड करने होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी एक वीडियो की, जो कि आप अपने गैलरी में सेव करके पहले से रखे होंगे, और एक थंबनेल पहले से तैयार होगा, और साथ ही आपका वीडियो का टाइटल पहले तैयार रखना होता है। तो चलिए आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके हम वीडियो अपलोड करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप वीडियो अपलोड कीजिएगा, और इसे आपको क्रोम ब्राउजर से अपलोड करना है, तभी आप बड़ा वाला थंबनेल हासिल कर पाइएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एक हमारी जो वीडियो है उसको अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे हमने अपनी गैलरी से एक वीडियो उठा लिया है और उसे लगा दिया अपलोड में। तो जब तक ये वीडियो अपलोड होता है तब तक मैं इस वीडियो का टाइटल वगैरह डाल दूंगा, जैसे RRB ग्रुप डी एग्जाम रिजल्ट। तो यहाँ पर मैंने टाइटल डाल दिया वीडियो का, आप भी इस तरह से टाइटल डाल दीजिएगा। टाइटल के बाद जैसे ही आपका वीडियो अपलोड हो जाता है, अब आपका काम जो आखिरी बचता है वो बचता है थंबनेल लगाने का। तो आपके पास या तो यहाँ पे जो थंबनेल आएगा वो सिलेक्ट कर ले, या फिर आप अपने गैलरी से कोई थंबनेल ले ले जो कि आपने वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया होगा। तो चलिए मैं एक थंबनेल ले लेता हूँ, इसे बड़ा थंबनेल चाहते हैं। तो अब आप यहाँ पे कर देते हैं पब्लिश। आपको पब्लिश नहीं करना, आपको एक सिंपल सी और सेटिंग करनी है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडवांस पे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा अलाउ इम्बेडिंग, जो कि ये डिफॉल्ट तौर पे राइट क्लिक होता है, इसको आपको हटा देना है। इसको हटाने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। देखिए जैसे वीडियो पब्लिश हो जाएगी आपको एक लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना है। ये वही लिंक है जो आपको वीडियो के वहां भी मिलेगा, ये सारे लिंक सेम होता है। और वहां पे आप जैसे ही पेस्ट कीजिएगा, देखिएगा आपका वीडियो का जो थंबनेल है वो बड़ा आएगा। जैसे कि मैं अपने प्रोफाइल पे आ गया हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ।
देखिए बड़ा सा थंबनेल आ गया और मुझे किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप अपने वीडियो को बड़े थंबनेल में बिना किसी थर्ड पार्टी पे गए ही शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ये पूछ रहे होंगे कि सर हमारी पहली की वीडियो है वो उसकी बड़ी थंबनेल करनी है तो उसके लिए क्या करें, तो आप तमाम वीडियो को आप ऐसे ही एडिट कर लीजिएगा और एडवांस पे क्लिक करके जो इनबिल्डिंग का ऑप्शन है वहां से राइट क्लिक हटा दीजिएगा। उसके बाद आप उस वीडियो के जो लिंक है उसको आप फेसबुक का जो डीबग है वहां पे आपको गूगल पे टाइप करना होगा फेसबुक डीबग, यानी कि फेसबुक डीबगर की वेबसाइट पे जाके उस लिंक को आपको जैसे आप पहले किसी दूसरे वेबसाइट पे जाके थंबनेल बड़ा कर देते वैसे आपको यहाँ पे पेस्ट करके और डीबग कर देना है एक बार। उसके बाद आप वापस अपनी जो पुरानी लिंक है उसे शेयर कीजिएगा, वहां भी आपको बड़ा सा थंबनेल आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो वीडियो में इतना ही आज के लिए। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।